सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं दिखाने वाला हूं, आपको देख सकते हैं, ये है लोनी गोल चक्कर वाली मेट्रो स्टेशन और यह है रेड लाइन और यहाँ से क्रॉस कर रही है पिंक लाइन, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी रिसेंटली में चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा और बताने की भी कोशिश करूँगा। एक महीने पहले मैंने वीडियो डाला तो देख सकते पिलर वहीं के वहीं ये अभी रुका पड़ा है, तो दूसरे पिलर बनाए जा रहे हैं इधर राइट हैंड पे और ये लेफ्ट हैंड से आ रही है इस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में, और ये भजनपुरा यमुना बिहार और ये सीधी चली जाएगी आगे, यानी कि आपकी जो जाएगी आगे जाके जनकपुरी जाके ख़त्म हो जाएगी। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेजी के साथ में, राइट हैंड पे देखेंगे तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम है जो चल रहा है। और देख सकते हैं इसमें पिछली वीडियो में अभी आप देख लो, दो महीने पहले मैंने डाली थी और आज की डेट में देखोगे तो इस पर अभी कोई वर्क नहीं चल रहा है, बहुत मंदा काम चल रहा है। DMRC द्वारा बनाई जा रही है ये लाइन, देख सकते हैं क्या वहीं के वहीं इस पर काम बहुत ही स्लो काम चल रहा है अभी इस टाइम पर, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रहा है। तो सारे पिलर अभी बना के कंप्लीट कर लिए गए हैं, बस इन पर पिलर कैप बनाने का जो काम है वो चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं कहीं कहीं पिलर कैप बना लिए जा चुके हैं, कहीं कहीं इन पर सेटिंग बिठाई जा रही है, इन पर बनाने का काम चल रहा है। तो देख सकते हैं, तो आपको बता दूं कि ये दो पिलर को बायोडक्ट पहले ही क्लियर कर लिया जा चुका था, ये देख सकते हैं तीन पिलर का बायोडक्ट पहले ही क्लियर कर लिया जा चुका था, लेकिन उसके बाद में कोई अभी काम नहीं हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। और आगे दिखाएंगे हम डबल डेकर, आपको बता दूं मेट्रो बनाई जा रही है, क्योंकि नीचे वाहन चलेंगे यानी कि 4-व्हीलर चलेंगे और ऊपर पिंक लाइन दौड़ेगी। और आपको बता दूं भजनपुरा और यमुना बिहार के बीच में 1.5 किलोमीटर का जो बायोडक्ट होगा, जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा, वो डबल डेकर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता है। तो देख सकते हैं ये है फुटवेयर ब्रिज, और इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो देख सकते हैं ये राइट में है मेरे, लेफ्ट में है यमुना बिहार और राइट में है भजनपुरा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि अभी कोई ही वर्क नहीं चल रहा है, बहुत मंदा वर्क चल रहा है, तेज़ी के साथ में नहीं चल रहा है, जैसे कि तैसे पिलर हैं। 2 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था और आज आप लोग देख लो वैसा ही थोड़ा बहुत ही प्रोग्रेस हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। जैसा कि हमारी डेली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है, तेज़ी के साथ में बनाई जा रही है, वैसे इस पर काम नहीं चल रहा और यहाँ पर जाम का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो DMRC पता नहीं क्या कर रही है, हाथ पांव धरे बैठी हुई है, जाने क्या कर रही है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि अभी जो भी काम चल रहा है, जो भी वर्क चल रहा है अभी नीचे का, तो बायोडक्ट क्लियर कर गया यानी कि कौन कौन से लेवल का फ्लाईओवर के लिए, लेकिन जो ऊपर मेट्रो के पिलर है वो अभी देखिए बनाए जा रहे हैं, कहीं कहीं इन पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है, ज़्यादातर तो पिलर कैप का काम ही किया जा रहा है, बाकी कुछ पिलर बचे हैं ऊपर स्टैंड होने के लिए, वो भी देख सकते हैं बनाए जा रहे हैं अपनी आंखों से। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता हूँ और आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी NCR के अंदर, वो मैं आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी डबल डेकर का ये बायोडक्ट नीचे का कौन कौन से लेवल का तो ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो मेट्रो जिस पे चलेगी उस रूट को देख सकते हैं, इस पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है, कहीं कहीं पिलर स्टैंड कर दिए गए हैं पिलर कैप, और कहीं कहीं देख सकते हैं अब आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, डबल डेकर मेट्रो बनाई जा रही है, वो तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरीके से बनाई जा रही है, आप लोग तस्वीरों में देख सकते हो। देखो इस पर अभी आपको बता दूं कि गाटर लॉन्चिंग का काम चल रहा है, गाटर लॉन्चिंग होने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। ये इसने 3-4 पिलर तो कनेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये आपको बता दूं कि ये 2 लाइन इस साइड में और 2 लाइन उस साइड में, यानी लेफ्ट राइट में 2 लाइन रहेंगी इसमें,
देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये आर्म्स को, ये विंग्स को स्टैंड करने का काम था वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जा चुका है। देख सकते हैं ये विंग्स को ऐड करने के बाद में फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी, गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा। तो यही काम चल रहा है अभी यमुना विहार और भजनपुरा के बीच में दोस्तों, जो पिंक लाइन बनाई जा रही है, तो इसको हम क्रॉस करते हुए चलेंगे दोस्तों आगे। और आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं आज़ाद नगर तक का दोस्तों, आदर्श नगर तक का दिखाएंगे कि वहाँ तक कितना कुछ इस पिंक लाइन पे कितना कुछ काम हो चुका है, वो सब कुछ आप लोग इस वीडियो में देखो। और अगले वीडियो में आपको आने वाले वीडियोस में मैजेंडा लाइन भी दिखाएंगे, जो कि बुराड़ी और भी उधर निकलती हुई चली जाती है, वो भी आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्लो डाउन लगता हुआ ये खड़े हुए हैं देखो, और इसी वजह से ही यहाँ पे ये डबल डेकल माल, ये क्या नाम है, पिंक लाइन बनाई जा रही है, मेट्रो लाइन डबल डेकर इसी वजह से बनाई जा रही है कि यमुना विहार और भजनपुरा के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इस वजह से यहाँ पर डबल डेकर ये मेट्रो स्टेशन को बनाया जा रहा है दोस्तों, मेट्रो बनाई गई है पिंक लाइन। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, मैंने 2 महीने पहले वीडियो डाला था और अब डाल रहा हूँ, और कंपेयर करो क्या कितना कुछ वर्क कंप्लीट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मुझे तो लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आधे पिलर कॉन्क्रीट लेवल तक के भर दिए जा चुके थे, कंक्रीट कर दिया जा चुका, अब इनके ऊपर भी कंक्रीट इसमें भरा जाएगा, फिर इन पर पिलर कैप का काम किया जाएगा, पिलर कैप होने के बाद में फिर दोस्तों इसका जो बायोडक्ट है वो रखा जाएगा, क्योंकि बायोडक्ट इसमें विंग्स को नहीं जोड़ा जाता है, ये बायोडक्ट को रखते हुए चले जाएंगे, ये जुड़ता हुआ चला जाएगा, फिर इन पर ट्रैक डालते चले जाएंगे और इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाते चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जल्दी वर्क हो जाता है, जिस तरह का यहाँ बायोडक्ट रखा जाता है उस तरीके से तो जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा यही वर्क चल रहा है, तो देख सकते हैं। और इस पर हम ये भजनपुरा वाले, ये खजूरी वाले फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे आगे, तो देख सकते हो, आपको बता दो ये फ्लाईओवर के नीचे थे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी निकल रहा है, उसकी मैंने अपडेट दी है, और आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक से जाके देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, और वीडियो हमें देख के बताना कि कैसा लगा, और हमें लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करके हमें नीचे ज़रूर बताना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों लाता रहता हूँ कंटिन्यू, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो देख सकते हैं ये है खजूरी का फ्लाईओवर, और राइट हैंड पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितना कुछ बायोडक्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है पिंक लाइन का। और आप बता दो सबसे ज़्यादा जो वर्क बचा हुआ है वो यमुना रिवर का जो ब्रिज बनाया जा रहा है इस पिंक लाइन मेट्रो का, उस पर अभी बहुत ज़्यादा वर्क है कंप्लीट होने के लिए, कि वो बनाया जा रहा है अभी तेज़ी के साथ में, अभी नहीं बना है तो दिखाएंगे और बताएंगे भी आपको। तो देख सकते हैं ये आ जाता है यमुना रिवर का सिग्नेचर ब्रिज, और देख सकते हैं कि कितना अद्भुत कितना सुंदर ये सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया था दोस्तों, क्योंकि ये एक पिलर पर टिका हुआ है पूरा ब्रिज दोस्तों, और यहाँ पर फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा होती है, लोग यहाँ पर खड़े खड़े होकर बहुत दूर दूर से आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि पहले यहाँ पर पुलिस प्रशासन रहता था, लेकिन अब वो भी हट गया, जब ये बना था नया नया तब ये इस पर पुलिस प्रशासन रहता था, उनकी छतरियाँ ये लगी हुई हैं देख सकते हैं। और यहाँ से हम ये सीधे निकल जाएंगे, क्रॉस करते हुए रोड पर आ जाएंगे दोस्तों, और दिखाते हैं आप लोग के जो करनाल के लिए जो रोड जा रही है वो कितनी सुंदर बना दी गई है अब आज के टाइम में, क्योंकि कई तो अंडरपास दिए गए हैं तो इस वजह से, और बारिश की वजह से भी रोड टूट जाती है, तो उसमें भी इन्होंने वर्क किया है तेज़ी के साथ में, और बहुत सुंदर रोड बनाई है। और उसमें आपको बता दूँ कि इस पर जो पट्टी लगाने का काम था वो भी लगा दी गई है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ऐसे यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं, और आप तो लोगों को आगे दिखाएंगे, तो आप लोग एंजॉय करो वीडियो को, और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों, और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों। और दीपावली के मौके पर तो आप सभी को केपी संत की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप लोग खुशियों भरा ये त्यौहार रहे, हर सुख हर सुविधा आप लोगों को इस दिवाली पर मिले दोस्तों, मेरी यही कामना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।